अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, नौजवानों, आज ईद अज़हा का मुबारक दिन है और ईद अज़हा की खुशियाँ मनाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। नमाज़ ईद ये एक सजदे शुक्र की शक्ल में हम अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए सालाना दो त्यौहार मुकर्रर किए हैं। एक ईद फ़ित्र है जो रमज़ान की तकमील के बाद मनाया जाता है और ये एक ईद अज़हा है, ईद क़ुरबा है जो आज हम मना रहे हैं। ईद अज़हा एक पैगाम लेकर के आती है। इस ईद का जो पैगाम है वो उसके नाम ही के अंदर मुजमर है। ईद अज़हा का मतलब है क़ुरबानी की ईद, हम इसे ईद क़ुरबा कहते हैं। ये क़ुरबानी की ईद है जो बड़ी क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पेश की थी, उसकी याद है ये। और इस ईद का जो पैगाम है, इस ईद का जो हमारे लिए सबक है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर वक्त क़ुरबानी के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने एक आजमाइश से हमें दोचार किया इस ज़िंदगी में और ये आजमाइश क़ुरबानी चाहती है, हर कदम पे क़ुरबानी चाहती है। अगर हम क़ुरबानी के लिए तैयार हैं तो हम इस इम्तिहान में कामयाब होंगे, लेकिन अगर हम क़ुरबानी से पीछे हटेंगे और क़ुरबानी की हिम्मत अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे तो इस इम्तिहान में हम कामयाब नहीं हो सकते। तो क़ुरबानी के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, हर तरह की क़ुरबानी। अल्लाह के रास्ते में जिस तरह की क़ुरबानी की ज़रूरत हो उस क़ुरबानी को पेश करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आप याद कीजिए कि आज हम किस क़ुरबानी की याद ताज़ा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम की पूरी ज़िंदगी क़ुरबानियों से इबारत है। तरह तरह की क़ुरबानी दी उन्होंने, अपना वतन भी छोड़ा, हिजरत भी की, अपने शहर से भी दूर गए, अपने बाप को भी छोड़ा, रिश्तेदारों को भी छोड़ा, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए। और जब भी जो हुक्म हुआ, जो क़ुरबानी मांगी गई, उस क़ुरबानी को उन्होंने पेश कर दिया। और सबसे बड़ी जो क़ुरबानी थी, जब उन्होंने अपने बेटे को ये देखा ख्वाब में कि वो उसे अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तैयार हो गए। क़ुरान मजीद में सूरह साफ़ात के अंदर उसका ज़िक्र किया गया है कि वो बेटा जो कि बुढ़ापे की दुआओं का नतीजा था, उसके ख्वाब की ताबीर थी, जब वो हाथ बटाने के लायक हुआ, फलम्मा बलग माहुस सैया, कि जब वो बेटा उनके साथ दौड़ भाग के लायक हो गया, हाथ बटाने के लायक हो गया, तो उन्होंने कहा काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहो का, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान कर रहा हूँ। वो चाहते थे कि जिस बेटे की उन्होंने तरबियत की है वो बेटा क्या जवाब देता है, उस बेटे की क्या राय है, वो क्या कहता है, उसका रद्द अमल जानने के लिए अपना ख्वाब अपने बेटे के सामने बयान किया। आप जानते हैं कि नबी का जो ख्वाब होता है वो भी वही की एक किस्म है। जब उन्होंने ख्वाब में देखा तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला का इशारा है, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है कि मेरी मोहब्बत ज़्यादा है कि बेटे की मोहब्बत ज़्यादा है। तो उन्होंने हज़रत इस्माईल से पूछा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इस्माईल ने जो जवाब दिया वो हर नौजवान को याद रखना चाहिए, हर बेटे को याद रखना चाहिए, हर साहबजादे को याद रखना चाहिए। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि अब्बा जान ये तो ऐसे ही ख्वाब है, ये कोई ख्वाब परेशान है, आप क्यों इसके चक्कर में पड़े हैं, कोई इस तरह की बात उन्होंने नहीं कही। हज़रत इस्माईल ने कहा या अबते इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिन अस्साबिरीन, अब्बा जान आपको जो हुक्म दिया गया है कर डालिए,
मुझे साबिर पाएंगे, मैं तैयार हूँ। आप ज़रा सोचिए कि इसका मतलब क्या है, मैं अल्लाह के रास्ते में अपना सर कटाने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे गले पे छुरी फेर दीजिए, अल्लाह का जो हुक्म है उसे बजा लाइए, मैं तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये एक सआदतमंद बेटे का जवाब है, ये एक फरमाबरदार बेटे का जवाब है, ये एक ऐसे बेटे का जवाब है जिसकी परवरिश वक्त के पैगंबर ने की थी, जिसकी तरबियत इमामुल अंबिया ने की थी। वो फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। आज हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को आदाब फ़र्जंदी सिखाने की ज़रूरत है। हज़रत इस्माइल की सआदत मंदी, उनकी फरमाबरदारी एक रोशन मिसाल है, क़यामत तक के लिए मिसाल है। जो भी अल्लाह का हुक्म हो उसके लिए हमारे नौजवानों को तैयार रहना चाहिए, हमारे बच्चों को तैयार रहना चाहिए। बचपन से उनकी ऐसी तरबियत होनी चाहिए, उनकी ऐसी उठान होनी चाहिए, अल्लाह की ऐसी मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करनी चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। बाप कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया और बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया। तारीख़ इंसानियत में कुर्बानी का इससे बड़ा कोई भी मज़हर दुनिया ने नहीं देखा। ज़मीन साकिन पड़ी थी, आसमां हैरान था बेचारा, न इससे पेशतर देखा था ये हैरत का नज़ारा। फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन, बाप और बेटे दोनों तैयार हो गए, दोनों इस्लाम की तस्वीर बन गए, दोनों तस्लीम व रज़ा का पैकर बन गए। तो अल्लाह ताला ने कहा, या इब्राहिम कद सद्दक्त रोया इन्ना कदा लेकिन नज़ज़िल मुहसिनीन इन हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन। इब्राहिम तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, इम्तिहान में पूरे उतरे, तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत सबसे ज़्यादा है, बेटे से भी ज़्यादा है। बेटे को कुर्बान करना मकसूद नहीं है, देखना था कि किसकी मोहब्बत ज़्यादा है। तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए और कुरान कहता है, अल्लाह का ऐलान है कि बहुत बड़ा इम्तिहान था ये। बूढ़ा बाप बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया और नौजवान बेटा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए, अब इनको कुर्बान करना मकसूद नहीं है। व फदैना हो बिज़िबहिन अज़ीम, और ज़िबह अज़ीम के बदले में फ़िदिये में हज़रत इस्माइल को बचा लिया गया। उस वक्त एक मेढ़ा कुर्बान किया गया और उसके बाद से लेकर के क़यामत तक कुर्बानी की सुन्नत जारी कर दी गई। मेरे भाइयों, आज हम जो कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी के अय्याम में जो कुर्बानी करेंगे, हर साल हम जो कुर्बानी करते हैं, सारी दुनिया में लोग जो कुर्बानी करते हैं, ये क्या है? उसी बड़े फ़िदिये का एक हिस्सा है। हमारी कुर्बानी का सिलसिला वहाँ से जुड़ता है, ये भी उसी ज़िबह अज़ीम का एक हिस्सा है। ये हज़रत इस्माइल का फ़िदिया है, इसको हमें याद रखना है। हज़रत इस्माइल की कुर्बानी, हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी, इसको हमें याद रखना है। और इसी तरह से हमें अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के हालात तो कुर्बानी का और ज़्यादा तकाजा करते हैं। हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी का यही सबक है कि अल्लाह के रास्ते में हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहो, अपने ईमान का सौदा कभी मत करना, अपने अकीदे का सौदा कभी मत करना। तुम्हारी सबसे कीमती जो चीज़ है वो तौहीद है, वो अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसके ऊपर कोई हर्फ ना आने पाए, कोई तुमको अपने अकीदे से हटाने ना पाए। कितना भी दबाव हो, कितना भी जबर हो, कितना भी प्रेशर हो, कभी भी अपने अकीदे से मत हटना, अपने मौक़िफ़ से मत हटना, अपने उसूल से मत हटना, हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना। यही हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी का सबक है। आज भी हमसे कुर्बानी का मुतालबा किया जा रहा, आज हमारे ऊपर दबाव है, आज हमारे ऊपर प्रेशर है, आज हमको हमारे अकीदे से हटाने की कोशिश की जा रही है, हमारे ईमान से हटाने की कोशिश की जा रही है, हमारी बुनियादों से हटाने की कोशिश की जा रही है, और तरह तरह के दबाव डाले जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मिल्लत इब्राहिमी के पैरों हम हैं, हम अल्लाह के रास्ते में अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन अपने ईमान का इंशाअल्लाह कभी सौदा नहीं करेंगे। मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे, ऐसा न करेंगे, कभी ऐसा न करेंगे। यही मिल्लत इब्राहिमी, यही हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी का सबक है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफ़ह नफ्सा। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम की जो मिल्लत हमारे सामने रखी है, उनका जो नमूना सामने रखा है,
उस मिल्लत इब्राहिमी से कौन मुंह मोड़ सकता है सिवाय उसके जो नादान हो। और मिल्लत इब्राहिमी क्या है? वलकद इस्तफ़ैना हो फिद दुनिया व इन्नहु फिल आखिरत लमिन अस्सालिहीन, हमने दुनिया में उनको मुंतखब किया, आखिरत में वो सालिहीन में से हैं। इज क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, याद करो जबकि उनके रब ने कहा कि अपने सर को झुका दो, उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मैंने अपने सर को झुका दिया, जो भी हुक्म हुआ उसे मान लिया। तो ये तस्लीम व रज़ा, ये क़ुरबानी, यही मिल्लत इब्राहिमी की रूह है और उसकी जान है। आज इस सबक को याद करने की ज़रूरत है, अहद के तजदीद की ज़रूरत है, हज़रत इब्राहिम से अपनी निस्बत को ताज़ा करने की ज़रूरत है। तेरी निस्बत ब्राहिमी है, मेमारे जहाँ तू है। हज़रत इब्राहिम की मिल्लत के पैरों हैं हम लोग। हज़रत इब्राहिम ने इराक़ को छोड़ा तौहीद की दावत के लिए, मिस्र गए, शाम गए, फ़लस्तीन गए, हिजाज़ गए, मुख्तलिफ इलाक़ों में गए ताकि अल्लाह के पैगाम को आम कर सकें। अपनी ज़ुर्रियत के एक हिस्से को हिजाज़ में ला करके बसाया, जहाँ आबादी नहीं थी, जहाँ कोई खेती नहीं होती थी। क्यों बसाया? रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रईन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सला। उन्होंने कहा कि मैंने हाजरा को, इस्माइल को इसलिए बसाया है ताकि ये नमाज कायम करें, ताकि ये तौहीद के लम्बरदार बने, ताकि ये तेरे दावत के अमीन बने, ताकि तेरे पैगाम को आम करें। तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, क़ुरबानी करते वक्त इस बात को याद रखिए कि हम हज़रत इब्राहिम की सुन्नत अदा कर रहे हैं, हज़रत इस्माइल की सुन्नत अदा कर रहे हैं। हमें उसी नक्शे कदम पे चलना है। अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए, दावत इस्लामी को आम करने के लिए हर तरह की क़ुरबानी देने के लिए हमें तैयार रहना है। याद रखिए, इस्लाम पर चलना उसी वक्त मुमकिन होगा जब हमारे दिलों के अंदर क़ुरबानी का जज्बा होगा। अपने जज्बात को क़ुरबान कीजिए, अपनी आरज़ुओं को क़ुरबान कीजिए, अपनी तमन्नाओं को क़ुरबान कीजिए, अपनी ख्वाहिशात को क़ुरबान कीजिए। अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए। जब तक हम अपनी ख्वाहिशों को, अपनी अना को क़ुरबान करने के लिए तैयार नहीं होंगे, बंदगी का हक अदा नहीं हो सकता है और अल्लाह से वफादारी का हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए इस बात का अज़्म कीजिए, फ़ैसला कीजिए कि हम सिर्फ़ अपने जानवर के गले पर ही छुरी नहीं चलाएँगे, सिर्फ़ उसी का खून नहीं बहाएँगे, बल्कि अपनी अना को भी क़ुरबान करेंगे, अपनी ख्वाहिशात को भी क़ुरबान करेंगे। अल्लाह के रास्ते में जिस चीज़ का तकाजा होगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे, अपने दिलों को साफ़ करेंगे, अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करेंगे, अपने अंदर जज्बे क़ुरबानी पैदा करेंगे, अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने के लिए मिल्लत इब्राहिमी पर चलते हुए अल्लाह के पैगाम को आम करेंगे। ये जज्बा क़ुरबानी का पैदा कीजिए। सबसे बड़ी क़ुरबानी अपनी अना की क़ुरबानी होती है, अपनी ख्वाहिशात की क़ुरबानी होती है। अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का जो हुक्म है, चाहे हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, हमारी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ हो, हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कोई आदमी ईमान के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात शरीयत के ताबे ना हो जाए, और जो आदमी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है वो गोया ख्वाहिशात को अपना इलाह बनाता है। अफरहित मन इत्तखज़ इलाहु हवा अफअंत तकून अलैहि वकीला, भला बताओ कि जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया हो, तुम उसको हिदायत दे सकते हो? तुम उसको राह रास्त पे ला सकते हो? इसलिए क़ुरबानी की जो असल रूह है उसको समझने की कोशिश कीजिए। क़ुरबानी ये है कि सब कुछ अल्लाह का है और अल्लाह के रास्ते में सब कुछ क़ुरबान करने के लिए हम तैयार। इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये सिर्फ ज़बान से नहीं कहना है बल्कि अमल से इसका सबूत देना, इसकी शहादत देनी, इसकी गवाही देनी है और इसको साबित करना है कि हमारा सब कुछ अल्लाह के लिए। तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, आज से क़ुरबानी का सिलसिला शुरू कीजिए। अय्याम क़ुरबानी जितने हैं क़ुरबानी कीजिए, सही जज्बे के साथ, सही नीयत के साथ, इखलास के साथ। और याद रखिए, इखलास के साथ जब हम क़ुरबानी करेंगे तो क़ुरबानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के हम मकबूल हो जाएगा और बेपनाह उसका अज्र है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़ुरबानी के दिनों में अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल क़ुरबानी है। तो क़ुरबानी कीजिए, खलूस के साथ कीजिए, सही जज्बात के साथ कीजिए और लोगों में तकसीम कीजिए, खिलाइए। ये ऐसा मौका है कि गरीबों को दिल खोल के खिलाइए, उनके यहाँ कोई कमी महसूस ना हो। वो लोग जो साल में बहुत ही कुशादगी के साथ गोश्त नहीं खाते हैं, ये क़ुरबानी के अय्याम में हर घर में गोश्त पहुँचना चाहिए।
गरीबों के यहाँ पहले पहुँचाइए, पड़ोसियों के यहाँ पहले पहुँचाइए, खुद भी खाइए, रिश्तेदारों में तकसीम कीजिए, गरीबों में तकसीम कीजिए। और ये जो अय्याम है कुर्बानी के, ये खाने पीने और तकबीर के अय्याम हैं, तस्बीह के अय्याम हैं, तहलील के अय्याम हैं, इसी तरह से इनको मनाइए। अल्लाह से दुआ है कि ये ईद हमारे लिए मुबारक, ये ईद हमारे लिए मुबारक साबित हो, सआदत मंदी का ज़रिया साबित हो। हम हज़रत इब्राहिम से अपने अहद की तजदीद करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उन कुर्बानियों को याद करें, सहाबा किराम की कुर्बानियों को याद करें और अपनी ज़िंदगी उसी रास्ते पे चलाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे, आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द।